अध्यक्षता हमारे भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विहार चौधरी जी कर रहे हैं। सबसे पहले हम सभी की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी दीपक केसरकर जी, शिरीष देव जी, सूर्य रतन डागा जी, अविनाश भिड़े जी, हेमंत देशपांडे जी, शैलेश जुगलेकर जी, राहुल दीक्षित जी, अमरेंद्र हरदास जी, अजय शिर्के जी, मंचासीन सभी महानुभाव यहां पर उपस्थित, सभी गणमान्य नागरिक, विशेष रूप से यहां पर उपस्थित हमारे सभी भोसला मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी, उनके माता पिता, परिवारजन, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि भोसला मिलिट्री स्कूल नागपुर के एनुअल डे फंक्शन में मैं फिर एक बार यहां पर आप सभी के बीच आ पाया। जैसा शैलेश जी ने बताया कि भोसला मिलिट्री स्कूल से पहले दिन से एक मेरा रिश्ता रहा है और इसको बढ़ते हुए, विकसित होते हुए बहुत करीब से मैं देख पाया हूं। और जब भी मैं इस कार्यक्रम में आता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर ये स्कूल आगे बढ़ रही है और फिर अगले कार्यक्रम में जब आता हूं तो उससे भी बेहतरीन मुझे स्कूल का परफॉर्मेंस दिखाई पड़ता है। तो लगातार ये जो प्रगति हो रही है इसके लिए मैं भोसला मिलिट्री स्कूल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से जो हमारे शिक्षक हैं, ट्रेनर्स हैं, उन सभी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस विचार के साथ आदरणीय मुंजे जी ने भोसला मिलिट्री स्कूल की शुरुआत की थी कि हम देशभक्त ऐसी युवा पीढ़ी तैयार कर पाए जो भले ही सेना में न जाए लेकिन सेना के गुण, सेना के तत्व, ये सारे हम उनमें रोपित कर पाए। और आज वही चीज इतने सालों से भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक और पिछले 25-27 सालों से भोसला मिलिट्री स्कूल नागपुर ने उस सपने को पूरा करने का काम किया है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी समाज, कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब उस देश के युवाओं में अनुशासन होता है और देशभक्ति होती है। भले ही संसाधन कम हो, भले ही अर्थव्यवस्था में अभाव हो, लेकिन अगर जज्बा राष्ट्रभक्ति का है और साथ में डिसिप्लिन है, अनुशासन है, तो ऐसे राष्ट्र को कोई रोक नहीं सकता। और आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एक विकास की ओर अपनी गति को बढ़ाया है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनके नेतृत्व में नवभारत का सृजन हम जो देख पा रहे हैं, एक ऐसा भारत जो किसी से डरता नहीं है, एक ऐसा भारत जो किसी के सामने झुकता नहीं है, एक ऐसा भारत जो कभी रुकता नहीं है, इस प्रकार के भारत का निर्माण आज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस निर्माण में हमारे भारत की सेनाओं का योगदान ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार का शौर्य और जिस प्रकार की कैपेबिलिटीज आज तैयार की है, इसके चलते दुनिया जानती है
कि भारत एक मजबूत देश है और दुनिया में वही शांति प्रस्तापित कर सकता है जो स्वयं मजबूत हो। जो मजबूर होता है वो कभी शांति नहीं प्रस्तापित कर सकता। इसलिए भारत आज दुनिया के मजबूत राष्ट्र के रूप में सामने आता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। हम लोग देख रहे हैं कि इस विकास की यात्रा में आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जल्दी ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का सपना आज हम लोग पूरा कर पा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे मिलिट्री के सेक्टर में भी एक समय यह हुआ करता था कि हर चीज पर हम विदेशों पर निर्भर हुआ करते थे। आज आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र में, सैन्य के क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर हमने तैयार की कि आज चाहे वो पनडुब्बियां हो, चाहे वो बड़े जहाज हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे वो गन्स हो, चाहे बड़ी बड़ी इस प्रकार के आर्म्स एंड एम्यूनिशन जिसमें बहुत टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली तैयार करने का काम आज हमारे भारत के लोग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। जो भारत मिलिट्री के सेक्टर में केवल इंपोर्ट करता था, आज वो एक्सपोर्ट भी करता है और दुनिया के कई देशों में आज हमारे भारत में तैयार होने वाले आर्म्स और एम्युनिशन की मांग ये बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। ये आत्मनिर्भरता का एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ऐसा मैं कहता हूं। मुझे आज भी याद है कि जिस समय मैं मुंबई में हमारे उस समय के रक्षा मंत्री जी के साथ, मनोहर पर्रिकर जी के साथ, हमारी पनडुब्बियों को कमीशन करने के लिए गया था और उस समय उन्होंने कहा था कि आज तो ये जो हम कमीशन कर रहे हैं उसमें ज्यादातर चीजें हमने इंपोर्ट की हुई है, लेकिन अगले 4-5 सालों में इसमें से 80% चीजें हम बनाएंगे। और अभी अभी जब प्रधानमंत्री जी ने हमारी नई क्लास की पनडुब्बियां वहां पर उसको कमीशन किया, तब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि 80% उसमें जो चीजें इस्तेमाल की गई थी वो सारी की सारी भारत में बनी हुई थी और पूरे तरीके से हमने भारत में उसका निर्माण किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक नया भारत तैयार हो रहा है, जो किसी को भी चैलेंज करने के लिए तैयार है, एक ऐसा भारत जो निश्चित रूप से बहुत ही स्वाभिमान के साथ खड़ा है। और हम लोगों ने देखा कि अब इस भारत की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमारी सेना में वो ताकत है कि जिस समय हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो हम रातों रात एयर स्ट्राइक करके दुश्मन को पूरे तरीके से समाप्त भी कर सकते हैं और दुश्मन के अड्डों को रातों रात हम लोग समाप्त भी कर सकते हैं। ये हमारे एयरफोर्स ने भी दिखाया है, हमारी मिलिट्री ने भी दिखाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नए भारत के जो हमारे सारे नए तरुण युवा, इनको जब हम लोग नए भारत की चुनौतियों की ओर ले जाते हैं तो ऐसे समय उनमें देशभक्ति और अनुशासन इसका होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग देख रहे थे ये सारे हमारे कैडेट्स, हमारे बच्चे जिस समय हमारे सामने परफॉर्म कर रहे थे तो लगातार हमारे मन में ये आ रहा था, ये कैडेट्स है, ये बच्चे है, ये विद्यार्थी है या ये सचमुच सैनिक है जिन्होंने ट्रेनिंग ली है। इतने सफाई के साथ, इतने अच्छे तरीके से सारी की सारी ड्रिल्स हमारे सामने जो यहाँ पर की गई वो इतनी सुंदर थी और उसमें इतनी सफाई थी कि मैं सचमुच जो सारे ट्रेनर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और भारत का भविष्य मैं ऐसा मानता हूँ बहुत ही उज्जवल है। अभी आने वाले समय में जैसा शैलेश जी ने बताया, हमारी सरकार ने 54 एकड़ जगह घोसला मिलिट्री स्कूल को दी है और निश्चित रूप से आज हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ आए हैं
तो शिक्षा मंत्री जी शैलेश जी, जो आपने सपना यहाँ पर संजोया है कि एक हमारी लड़कियों की डेडिकेटेड मिलिट्री स्कूल तैयार हो, तो निश्चित हमारे शिक्षा मंत्री उस पर तवज्जो देंगे और आपको उसकी भी मान्यता वो देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं भी आपकी ओर से उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर इसके ओर तवज्जो दें और साथ साथ इस जगह पर एक सिविल सर्विसेज एकेडमी भी भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत ही अच्छी पहल होगी, क्योंकि हमारे देश में जो हमारी सिविल सर्विसेज है उसमें भी बहुत अच्छे ट्रेंड इस प्रकार के हमारे बच्चे जाए, और विशेष रूप से हमारे जो विदर्भ के बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग मिले, उनको इन एग्जाम्स को फेस करने का एक प्रकार से उनको ट्रेनिंग मिले, इस प्रकार की व्यवस्था इस एकेडमी के माध्यम से यहाँ पर तैयार हो रही है। तो मेरा विश्वास है कि जल्दी ही आप उसको भी तैयार करेंगे। मैं फिर एक बार हमारे सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, और मेरा विश्वास है कि लगातार जिस प्रकार से यह प्रगति हो रही है, देश की प्रगति में आने वाले समय में आप सभी भागीदार होंगे। आपके भरोसे कल के भारत का सपना हमने देखा है, और मुझे विश्वास है जब ऐसे बच्चे सामने बैठे हो तो निश्चित रूप से कल के भारत का जो सपना हम देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी देखते हैं, हमारा भारत देखता है, वो सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। और उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे निमंत्रित किया, ऐसे ही बार बार निमंत्रित करते रहिए ताकि ये जो प्रगति है उसको मैं बार बार देख पाऊ। वैसे तो आज के इस कार्यक्रम में पूर्ण समय मैं उपस्थित रहना चाहता था, और विशेष रूप से एयर चीफ मार्शल जी का उद्बोधन मैं सुनना चाहता था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये 350वां कोरोनेशन ईयर है, और उसके कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने नियोजित किए हैं, जिसमें एक कार्यक्रम आज जानता राजा ये महानाट्य नागपुर में शुरू हो रहा है, और उसके उद्घाटन में भी मुझे समय पर पहुंचना है। इसलिए मैंने मुख्य अतिथि जी से भी इजाजत मांगी है कि थोड़ी दृष्टता होगी, लेकिन इस कार्यक्रम से मैं कार्यक्रम का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पहले जाने की इजाजत मैंने उनसे ली है, इसलिए उनसे भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और फिर एक बार आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।